वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो दे विच आपां गल करनी आ अमृत वेले बारे, अमृत वेले की ताकत बारे अते अमृत वेले उठण दीआं जुगतियां बारे। क्योंकि कई मेरे भैन भरा ये मैसेज करते हैं कि असीं अमृत वेले उठना चाहुंदे आ पर साडे कोलों उठिया नहीं जांदा, तां उह अपनी अज की वीडियो नूं पूरा जरूर सुनन। क्योंकि अज की वीडियो सुनने तो बाद सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल हो सकता है अमृत वेला अते अमृत वेले का नितनेम पक्का हो जाए। इस करके वीडियो नूं पूरा सुनना। जे वीडियो तुहानूं चंगी लगी तो फिर इसनूं लाइक अते शेयर कर देना अते कमेंट बॉक्स दे विच जाके वाहिगुरु जी जां फिर अपने विचार जरूर सांझे करने। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, सब तो पहला साडे लई जानना यह जरूरी है कि अमृत वेले की दात सब तो अणमुली दात आ, सब तो वड्डी दात आ। अते ए दात सतगुर सच्चे पातशाह उन्हां नूं ही दिंदे आ जिन्हां ते उह बहुत ज़्यादा खुश हुंदे ने। सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा तो बिना यह दात मिल नहीं सकती। पर नाल इह वी सच आ कि उद्यम सानूं करना पैंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह दे अगे अरदासां बेनतियां तरले सानू ही करने पैणगे। तां हो सकदा है सतगुरु सच्चे पातशाह साडा उद्यम देख के, साडा अमृत वेले प्रति चा देख के, साडे तरले मिंतां देख के साडे उत्ते तरस कर लैण अते साडी झोली दे विच वी अमृत वेले दी दात पा देण। अते जिस दिन भी आपां अमृत वेले उठना शुरू कर दिता, अमृत वेले उठ के उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी का नाम जपना शुरू कर दिता, फिर जिंदगी दे विच बदलाव आउणा लाजमी आ। अमृत वेले उठण वाले हर काम दे विच अग्गे रहिंदे आ क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह दी प्रतख कृपा उहनां दे उत्ते वरत रही आ। महापुरख जी कहिंदे हुंदे ने अमृत वेला समझो गुरु नानक पातशाह दी मिठी अते निघी गोद। अते जो मनुख अमृत वेले दे विच उठदे ने समझो रोज़ रोज़ अपने गुरु नानक पातशाह दी मिठी निघी गोद दा आनंद माणदे आ। तो फिर आपां आप ही सोच सकते हैं ना, जेड़ा बच्चा अपने माँ बाप की गोद में होवे उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होंदा, भय नहीं होंदा। वो अपने माता पिता की गोद में बैठा बिल्कुल बेफिक्र होंदा क्योंकि उन्हें पता मेरे सिर के उत्ते मेरे माँ बाप का हाथ है। तो जो मनुख अमृत वेले उठते हैं ना, अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं, वह भी ये सतगुरु सच्चे पातशाह की मिठी निघी गोद का आनंद महसूस करते हैं। तो अमृत वेले की ताकत, अमृत वेले की पावर ता ही पता लगेगी जो आप अमृत वेले उठांगे। पर बहुते भैन भरा कह देंगे भी असं अमृत वेले उठना चाहते हैं पर नहीं उठाया जाता। अते कई कह देंगे भी असं कोशिश करके उठता पैंदे हैं पर अमृत वेले उठण तो बाद साडा आलस छड़ा नहीं छड़दा। उठण तो बाद असं इशनान करके बाणी पढ़न की कोशिश करते हैं पर फिर भी बाणी पढ़दिया होया बाणी दे विच मन नहीं जुड़ता। उबासियां आउंदियां रहिंदियां ने, नींद घेरा पाउंदी आ, कई बार तो नींद की झपकी लग भी जाती है। तो इस तरह साडे नाल क्यों हुंदा है जां फिर इस तो बचण दा कोई राह दसो। अमृत वेले उठण दे लई, अमृत वेला संभालण दे लई कोई सौखा जिहा राह, कोई आसान जां कह दिंदे ने भी कोई ऐसी जुगत दसो जिहदे नाल साडा अमृत वेले उठना अते अमृत वेला संभालना आसान हो जाए। तो इत्थे महापुरख जी बड़ी सोहणी गल कहिंदे ने। महापुरख जी कहिंदे सानू ये गल्लां कुदरत तो सीखनियां चाहीदियां ने। ये पेड़ पौधे पंछी जानवर उन्हां नूं देख के सीखो। हुण कदे भी देखियो पंछी पूरा दिन आसमान दे विच उड़दे रहिंदे आ, अपनी रोजी रोटी दे लई दूर दरेडे थावां ते जांदे आ, पर हर पंछी शाम वेले अपने आलणे दे विच आ जांदा है। कदे भी किसी पक्षी नूं आपां रात वेले चहकदे ते नहीं ना सुनिया, पर जदों ही अमृत वेला हुंदा है सवेरे 3-4 वजे तो पंछियों की मिठी प्यारी आवाज़ साढ़े कन्नां दे विच पैणी शुरू हो जाती है। क्योंकि पंछी इस गल नूं समझदे आ कि रात का वेला सौण दा है अते अमृत वेला जागण दा वेला है। एक मनुखी आ जो आलसी आ, मनुख सौण दे वेले नूं जाग के गवा लैंदा है। क्योंकि साढ़े विचों बहुते इंसान ने जो रात नूं 11-11, 12-12 बजे तक टीवी देखदे आ, अद्धी अद्धी रात तक उन्होंने फिल्मां नाटक देखने आ, फिर कहणगे सवेरे सवेरे उठिया नहीं जांदा। तो फिर आप सोचो कि जिहड़ा बंदा रात नूं 11-12 बजे सुत्ता है वह 3 बजे किंज उठेगा। 3 बजे उठना तो सानू रात नूं 9-10 बजे सौना पैना है। गृहस्थियों के लिए
सात तो अठ घंटे की नींद जरूरी है क्योंकि ता ही वो अगले दिन के कम्मा कारां दे लई तैयार होणगे। भावें कोई औरत आ भावें कोई मर्द आ उहदे लई सत्त अठ घंटे की नींद जरूरी है ता ही उहदे शरीर नूं ऊर्जा एनर्जी मिलेगी। पढ़ाई वाले बच्चों के लिए 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। कहने का मतलब है कि सोना भी जरूरी है पर सवेरे जल्दी उठना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जेकर दोवें ही नियम निभावांगे तां ही साडी सेहत तंदुरुस्त नरोई रह सकती है तां ही साडे सारे काम धंधे सही तरीके दे नाल होणगे। तां दोवां नियमां नूं निभाउण दे लई की करना है रात नूं समय सिर सौना है तां ही जल्दी उठ पावांगे। रात नूं सौण दा समां जिन्नी देर तक असीं सैट ना कीता उन्नी देर तक सवेरे उठिया नहीं जाणा। रात नूं 9 से 10 बजे दे विचकार सौ जाना चाहिए ए तां सवेरे 3 से 4 बजे तक अपने आप ही जाग आ जांदी आ। दूसरा जदों रात नूं सौण तों पहलां आपां गुरबाणी दा पाठ करदे आं शाम नूं रहिरा साहिब दा पाठ तां करना ही करना है। सौण तों तुरंत पहलां कीर्तन सोहिला साहिब जी दी बाणी पढ़नी। जिन्नी देर तक नींद नहीं आ रही उन्नी देर तक मूल मंत्र जी का जाप कर लो वाहेगुरू जी का जाप कर लो बस पाठ करद्या करद्या जाप करद्या करद्या सौ जाना। तो इहदा वड्डा फायदा एक होर हुंदा है जदों आपां सौ जांदे आ ते सौंदिया सौंदिया वाहेगुरू जी का जाप करदे आ ना वह जाप सारी रात साडे मन अंदर चलता रहना है क्योंकि शरीर सौ जांदा है अवचेतन मन जागदा रहिंदा है वो अपना काम करदा रहिंदा है। तो जेकर रात नूं सौण लग्गिया साडे मन विच वाहेगुरू जी का जाप चल रहा है तो सारी रात वाहेगुरु जी का जाप चलेगा वाहेगुरु जी का नाम चलेगा। पर जेकर किसी चिंता टेंशन नूं सोचद्या सोचद्या सौंगे जां कोई चंगे माड़े होर ख्याल साढ़े मन दे विच आ रहे सी उन्हां नूं सोचद्या सौंगे तो फिर सारी रात वह चलणगे। सवेर का वेला रात के सौण के वेले ते निर्भर आ जो भी सोचते सोचते सौवांगे उसे का प्रभाव तड़के उठद्या सार सानू मिल जाना है। तो जे रब का नाम लेंदे लेंदे सौवांगे तो सवेरे उठद्या सार ही शरीर इन्ना हौला होना है चुस्ती फुरती विच होवेगा अते उठद्या सार अपने आप ही मूहों निकलना है सतनाम श्री वाहेगुरु। पर जेकर कोई फिक्र चिंता करते करते सौ गए तो फिर सवेरे उठद्या ही सिर भारा होवेगा मन दे उत्ते इंज लगना भी जिवें पता नहीं मना मनाई बोझ पिया होवे फिर साडा अगला दिन भी प्रभावित हो जाना है। जिवें पिछला दिन टेंशनां विच बीतिया सी फिर अगला दिन भी टेंशनां चिंतावां विच बीतण दी पूरी पूरी संभावना बनेगी। पर जेकर रात नूं चिंतावां परेशानियां नूं साइड ते करके अपने सतगुर सच्चे पातशाह नूं याद करदे करदे सुत्ते सां तां सवेरे उठदिआं सार उहनां मुश्किलां दे हल मिल जाणे आ। इह गल कदी अजमा के देखिओ जी। तां रात नूं सौण दा समां सैट करना है सौण तों पहलां मालक दा नाम जपना रात नूं भुख रख के भोजन प्रशादा छकना है। जे 4 दी भुख आ तां 2 खा लो जे 2 दी भुख आ तां 1 खा लो। रात वेले सादा भोजन छकना है तेज मसालेदार तले हुए भोजन तो दूर रहना है। जेकर आप इन्ने के निजम निभा लवेंगे ना तो साडा अमृत वेला अपने आप ही बन जाएगा। अते एक बार फिर याद करा दीए कि अमृत वेला संभालना साडे लई बहुत जरूरी है। जेकर असीं अपने गुरु नानक पातशाह दीआं खुशियां बरकतां हासिल करना चाहुंदे आ ना तो अमृत वेले उठना शुरू कर दो। बाकी राह सतगुर सच्चे पातशाह ने आपे ही बना देने साडे रस्ते दीआं रुकावटां दूर कर देणियां ने।